الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سونا آمنا دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال سونا آمنا دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال سونا آمنا دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال اس دے جمال وانگوں کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں او دی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دنال سونا آمنا دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال فوز و فلا دیا صد صد صدائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے او کریم المزاج کرے دلائیں تراج او کریم المزاج کرے دلائیں تراج کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال سونا آمنا دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال کنڈے وچھاون ویری ہس کے علاوے سونا او دشمنا دیاں دھیاں نوئی چادراں پواوے سونا کنڈے وچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمنا دیاں دھیاں نوئی
चादर पवावे सोना ओदी शान बल्ले बल्ले ओदे नाल कौन रले कौन मिले ओदे नाल सजदे करेंदा गाया रब नू मनेंदा गाया उम्मत पीछे सोना मिन्नता करेंदा गाया उम्मत पीछे सोना मिन्नता करेंदा गाया एते करम कमावी मेरी उम्मत बचावी एते करम कमावी मेरी उम्मत बचावी कौन मिले ओदे नाल ओदा हुस्नो जमाल बे मिसल बे मिसाल कौन मिले ओदे नाल सोना आमिना दलाल बड़ा साहिबे जमाल कौन मिले ओदे नाल मुख्तसर हमदो सना और दुरूदो सलाम दे बाद मेरे मोहतरम भाइयो दोस्तों बुजुर्गो पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मुअज्जजात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओ और बहनों अल्लाह ताला दा एहसान अजीम है जिस रब्बुल आलमीन ने सानू इंसान बनाया और मुसलमान बनाया अहबाब ज़ीवकार अज दी ए अजीम शान और फकीदुल मिसाल अजमत ताजदार खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस अल्लाह ताला दी तौफीक और रहमत दे नाल जारी और सारी है। मेरे तो पहले मेरी जमात दे नामवर खुताबा उलमा खिताबात फरमा चुके ने थोड़ा जा मेरे नाल प्यार करो चलो मैं मान लिया भी मैं अज इश्तिहारी मौलवी नहीं तो तुसी टेंशन ले गए हो कोई गल नहीं यार अपनी मुलाकातां होंदियां रहिंदियां मैं अल्लाह जानदा है कि मेरी अहलिया की तबीयत काफ़ी ख़राब सी हॉस्पिटल तो लैके घर पहुँचा तो राणा साहब की कॉल आ गई भी तुसी ना जिदा भी पहुँच जाओ तो मैं सब कुछ छड़ के पहुँच गया बहरहाल अल्लाह ताला तमाम भाइयों दी मेहनत मुहब्बत अपनी बारगाह आलिया च कबूल फरमा ले तुसी जितने अहबाब रात गए तक अल्लाह दे दीन वास्ते नबी पाक ली खत्मे नबुव्वत वास्ते तशरीफ ले आयो अल्लाह तुहाडा सारेयां दा आना कबूल फरमाए उस्तादुल उलमा मोहतरम अशेख मौलाना बिलाल साकिब साहब हाफिज़हुल्लाह मोहतरम राणा राशिद साहब और मोहतरम सिद्दीकी साहब और इस हलके दी तमाम जिम्मेदारान अहले दी शूट फोर्स दे नौजवान तमाम दा अल्लाह ताला अपनी बारगाह आलिया दे अंदर मेहनत करना कबूल फरमा ले अहबाब ज़ीवकार एक तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून अल्लाह ताला फरमांदे ने लोगां दे हिसाब दा वक्त बिल्कुल करीब आ गया मगर लोग ने के गफलत अंदर ने अपनी आखरत की तैयारी नहीं करते अपनी आखरत दे बारे गौर फिक्र नहीं करते जिथे साडे अंदर बहुत सारियां कमजोरियां और सुस्तियां पाइया जांदियां ने आखरत दे हवाले नाल के असी तैयारी नहीं करते उथे मैं समझना कि कुछ असबाब ऐसे ने जिन्हां दी वजह करके असी आखरत दी फिक्र तो गाफिल होए पहला सबब जहालत कुछ लोगों का ज़हन ये बनया होया कि मौलवी एवं डराते रहते हैं जग मिठा ते अगला कैं डिठा एवं मौलवी डराते ने मसला ही कोई नहीं जी बस मर जाना मिट्टी नाल मिट्टी हो जाना काम खत्म हो जाना नहीं भाई ये बड़ी वड्डी गलत फहमी जी और बड़ा वड्डा खसारे वाला जुमला है घाटे वाला जुमला है ये ज़हन ना बना लिया जी अल्लाह फरमाते ने मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा फरमाया तुहानू मिट्टी चू पैदा किया है ते मिट्टी चू मिलावांगा इत्थे नहीं छड़ देंगा फिर मिट्टी भी उठावांगा कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फाहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन फरमाया किवें मेरी नाफरमानी कर दियो किवें मेरी हुक्म अदुली कर दियो मेरे नाल कुफर कर दियो मैं तुहानू बंजर जमीन तो इंसान बनाया और याद रखो इंसान बना के शुतर बेमुहार छड़ नहीं दिता सुम्मा युमीतुकुम मैं तुहाडे ते मौत लियावांगा
और फिर इतने कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, सुम्मा युहयीकुम, फिर मैं तुहानू खड़ा कर लांगा, फिर तुहानू जिंदगी देंगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर मेरी अदालत जाके तुहानू हिसाब देना पै। मत इस गलत फहमी का शिकार रहा जी कि क्यामत आनी कोई नहीं, आखरत का दिन होना ही कोई नहीं, हिसाब का दिहाड़ा होना ही। पहले नंबर ते है जहालत जिन्हें सानू आखरत की फिक्र तो दूर किया। दूसरे नंबर ते साढ़े बाद लोगों का जहन बन गया भी कि टेंशन की जरूरत है, फलां दे लड़ ला दी उन्हें आप ही बख्शा ले, फलां दे लड़ लगे हाँ जी साल बाद कट्टा दे दई दा, बस सानू जरूरत ही कोई नहीं किसी काम की, आप ही बख्शा ले। ईमानदारी की बात है, मैं एक मजलिस बैठा सी ते उते मजलिस काफी लोग सन, कोई लोग बैठे हुई है तो फिर सवाल कर लेंगे ने दीन के हवाले नाल, ते मैं जवाब दे रहा सी, एक बुजुर्ग कोल बैठे सन, ओ मैं जे जवाब ना देवां तो पहले ही जवाब कढ मार ते अपनी मर्जी दे मुताबिक, ते मैं क्या बुजुर्गो तुहानू नहीं पता किसी मसले दा, तुसीं ना गल करो, बड़ी एहतियात की जरूरत है दीन के मामले च, फतवा एवें नहीं बंदे नूं दे देना चाहिए। वो कहंदा जी तुहानू मौलवियां नहीं पता, सानू सारा ही पता है। मैं चलो भी दबी ऑफ है वो जनाब जिहड़ी गल करन, ते थोड़ी देर बाद ना अजान आ गई मस्जिद, मैं क्या चलो फिर उठो आओ नमाज पढ़न चलिए, ते हस के कहना है नहीं जी तुहाडा काम है तुसी पढ़ो। मैं क्या की मतलब तुसी नमाज नहीं पढ़नी, ओ नहीं जी तुसी पढ़ो नमाज। मैं क्या बुजुर्गो नमाज मेरे ते भी फर्ज है ते तुहाडे ते भी फर्ज, कहन लगा जी सच्ची पुछो ना मेरे को, तुसी मौलवी हैं इस काम ते लोकां नूं लाता, पांच वेले जाओ मसीते नमाजा पढ़न वास्ते, कोई गल नमाज तां दिल दी हुंदी, जे दिलों ही ना नीति ते फायदा। मैं क्या की मतलब, आंदा जी असी जिहड़ी जिन्हां दे लड़ लगे आ ना जी उन्हां सानूं इक्को वारी पढ़ा छड्डी है बस, वो आंदे ने भी सानूं साल बाद कट्टा कादे लई देना जे तुसीं नमाज़ां ही पढ़नी आ, सही तुहानूं जहन्नम ले जाण दा प्रोग्राम बनाई बैठा नहीं भाईओ। ये भी बड़ी वड्डी गलतफहमी, जे बड़ा वड्डा धोखा, जे किसी दे धोखे च ना आ जाए, जे मैं बचा लांगा मैं बचा लांगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा नूं खुद फरमा रहे ने, पर मैं बेटी फातिमा ए ना समझी कि मैं नबी दी बेटियां ते मैं जन्नत ते चली जावांगी, ए माली अमल करके जन्नत नूं जाणे। ईमानदारी नाल मैनूं दसो लंडू मस्जिद दे इलाके दे रहण वाले हो, बुरे वाला दे बासी हो, चीचा वतनी तो आण वाले हो, जिला साहिवाल जिला विहाड़ी नाल पाक पतन नाल ताल्लुक रखण वाले मेरे मुसलमान भाईओ, अगर नबी दी बेटी अमल दे बगैर जन्नत च नहीं जा सकदी ते मैं ते तू ते शै ही कोई। मत किसे दे धोखे च आ जाए, जे खुद भी गुमराह ने तुहानू भी गुमराह कर रहे ने ऐसे लोग, कोई किसे दा आमी नहीं जे बनना उथे अमल कम आना वा बशीरिल्लाहत आखरत की निजात उन्होंने लोगों वास्ते, खुशखबरी उन्होंने वास्ते जेड़े ईमान ले आणगे ते अमल करके वखा। और तीसरे नंबर ते साढ़े आम लोगों के जहन च यह गल आई हुई है भी कही गल है एवं अमल करने की, अल्लाह ने रहमत करनी है बख्शे जावे, नबी पाक सिफारिश करे तो बख्शे जावे। भाईओ ये बात बर हक है कि अल्लाह की रहमत के बगैर कोई बंदा अल्लाह की जन्नत च नहीं जाए, ये बात भी बरहक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे, पर इहदा की मतलब है कि अमल की जरूरत ही कोई नहीं। एक बंदा सारी जिंदगी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी एक ना मन्ने ते अल्लाह ताला उहदे ते रहमत फरमाएंगे, सारी जिंदगी नमाज एक ना पढ़े रोजा एक ना रखे इज्जत सारिया दी लुट जाए माल सारिया दा लुट जाए ते नबी पाक उहदे सिफारिशी बन जाएंगे। नहीं नहीं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, अमल जरूरी है, अमल तो बगैर नहीं गल बढ़। नबी पाक सिफारिश फरमाएंगे, हुजूर ने फरमाया क्यामत वाले दिन सब तो पहले मेरी कबर नु खोलिया जाएगा, मैं सब तो पहले बाहर आवांगा और मेनू अल्लाह ताला औलाद आदम दा सरदार बना देंगे, और क्यामत वाले दिन सब तो पहले मैं अल्लाह की बारगाह सिफारिश करांगा और अल्लाह मेरी सिफारिश नु कबूल फरमाएंगे। बात बरहक महबूब सिफारिश करेंगे, पर आप दी सिफारिश दा हकदार बनने वास्ते भी कुछ करना पवेगा, अमल करने पैणगे, एवें नहीं। आओ जरा अज दी इस मजलिस दे अंदर मैं तुहाडे सामने इंतहाई कीमती मारूजात रखना चाहना, तुसी बड़ी तवज्जो नाल समाअत फरमा लो। शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हकदार कौन,
नबी पाक दी शफाअत कुबरा किन्ना लोगां नूं नसीब होएगी उन्हां दी पहचान ते साडे सामने होनी चाहीदी ना। सानूं इलम ते होए ना ओह किहड़े खुश नसीब ने कि नबी पाक दी सिफारिश हासिल कर लैण को ऐसा काम भी कर जाइए। आओ जरा तवज्जो फरमाओ अल्लाह दे कुरान ते गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया खालके कायनात दा कुरान इस बात दा ऐलान करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकातु सफ्फा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला फरमांदे ने यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकातु सफ्फा फरमाया क़यामत दा दिन बड़ा दर्दनाक होएगा, क़यामत दा दिन बड़ा हैबतनाक होएगा, क़यामत दा दिन अल्लाहु अकबर बड़ा सख्त दिन होएगा, इतना सख्त दिन होएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने इज्जत अखरत वाले करीम फरमांदे ने क़यामत दा दिन इतना सख्त होएगा। ओए नौजवान भाइयो मेरे बुजुर्गो मेरी मां बहन गल तवज्जो दे नाल सुनिया जे सही वाल तो आण वाला है वीर तुहाडे वास्ते अज बड़ी कीमती गल्ला लेके आया है। अल्लाहु अकबर अज मैं तू पंजा फुटा ते मान कीती फिरने आ, मैं तू छिया फुटा ते मान कीती फिरने आ, कौन है मैनू गिराण वाला, कौन है मैनू पुंजे मेरी कंड लाण वाला, मैनू कौन है पिसलाण वाला, मेरा कौन की बिगाड़ सकदा है, मैं बड़ा वड्डा चौधरी, मैं बड़ा वड्डा वडेरा। अल्लाह दिया बंदे आ पंजा फुटा ते मान करना है, छिया फुटा ते मान करना है। अल्लाह फरमांदे ने इज्जत समाउन फतरत जदों क़यामत दा दिन आएगा आसमान भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आसमान भी रेज़े रेज़े हो जाएगा। अल्लाहु अकबर इज़्ज़त समा उन फतरत व इदल कवाकिब तसरत आसमान दे सितारे चढ़ जाएंगे बेनूर हो जाएंगे व इदल कवाकिब तसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत जमीन पानी दे चश्मे उबालन लग जाएगी। अल्लाहु अकबर हज़रते मोहतरम इत्थे अल्लाह फरमांदे ने हज़राते मोहतरम तवज्जो करे अज गौर करे अज वाले करीम जगह जगह ते आखरत दा फिकर दिला रहे ने, क़यामत दा मंदर बयान पे कर दे ने। अल्लाह ताला फरमांदे ने जमीन पानी दे चश्मे उबाण लग जाएगी व ईदल कुबूर बुआसिरत कबरां फट जाणगियां ते मैयतां बाहर आ जाणगियां। अल्लाहु अकबर वाले करीम फरमांदे ने सुनिया तुसीं वेखोगे इन्हां लोगां नूं तुहानूं लगेगा लोग पागल हो गए ने, चले हो गए ने, मगर ये पागल नहीं होणगे। क़यामत दा दिन एडा सख्त होएगा, आखरत दे दिन दी हैबत इतनी ज्यादा होएगी, ओ एडा खतरनाक दिन होएगा, इन्हां दे होश ही उड़ जाणगे, इन्हां दीआं अकलां तंग रह जाणगियां। अल्लाहु अकबर मौला करीम फरमांदे ने हर बंदे दी समझ च आ जाएगा आलिमत नफसुम्मा कदमत वाखरत हर बंदा पहचान लेगा मैं अपनी आखरत वास्ते की कमाई करके आया, किन्ने कमल लैके आया, किनिया बदियां जमा करके लैके आया, मेरे को किन्नी क जमा पूंजी आखरत वास्ते, मैं किनिया क मेहनत कीतियां ने। लोग अपने हाथ कट कट के खाणगे, लोग रोंदे रह जाणगे, अपने जनाब हज़राते मोहतरम रो रो के आंसुआं दे अंदर हज़राते मोहतरम जनाब सरा बूर हो जाणगे, इतना हैबतनाक दिन होएगा क़यामत वाला। अल्लाह फरमांदे ने यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकातु सफ्फा एडा हैबतनाक दिन है कि उस दिन अल्लाह दे फरिश्ते भी लैणा बना के कितारां दे अंदर सफा बन के खड़े होणगे। ला यतकल्लमून ज़बानां बंद कर दित्तियां जाणगियां, इन्हां ज़बानां ते ताले लग जाणगे। ऐ जिहड़ी तेरी ज़बान अज कैंची दी तरह चलदी ऐ, तेरी ज़बान तों किसे दी इज्जत महफूज़
नहीं, किसी की गैरत महफूज नहीं। मैं जाना तो जबान एडी खोलना है कि जना बाज तेरिया जबाना तू नबी दे साहबा भी महफूज नहीं। अल्लाह को अकबर, अल्लाह फरमाते ने ला या ता कलमून, जबाना ते ताले ला देंगे, जबाना बंद कर दीतियां जानगियां। अज दियां मैं बोला तो मैनू कौन चुप कराए, मैं बोल जावा तो कौन है मेरे अगे बोलन वाला। ला या ता कलमून, जबाना ते ताले ला दीते जाणगे ते किसी बंदे नू गल करन दी इजाजत नहीं होएगी। अल्लाह को अकबर। हज़रत मोहतरम, वो दिन ही बड़ा सख्त होएगा, 50,000 साल का तवील एक दिन होएगा मैदान माशर अंदर, ते सूरज लोगों नू तांबे दी तरह तपा रहा होएगा, नफसा नफसी दा आलम होएगा। अज जड़ी बरादरी ते माण करना है सारे तेनू छड़ के टुर जाणगे, जेड़े रिश्तेदार ते माण करना है कोई तेरे करीब नहीं आएगा, जेड़े सजना ते बेलियां ते माण करना है ये तेरा साथ छड़ जाणगे। ओए ते बेगाने ने अल्लाह दी कसम, तेरा बाप भी तेरे काम नहीं आएगा, तेरी मां भी तेरा साथ छड़ देवेगी। सगा बाप कहिंदा होएगा, अल्लाह सोणिया सुट दे मेरी सारी औलाद नू जहन्नम अंदर, सुट मेरे वालिदैन नू जहन्नम अंदर, सुट मेरे भैन भाइयों नू जहन्नम अंदर, सारी दुनिया जहन्नम अंदर जला दे, पर मौला करीम मैनू बचा ले, मैनू बड़ा डर पिया लगदा तेरे अदाब तो, अल्लाह मैनू बचा ले। अल्लाह हू अकबर। दाते मोहतरम, ऐ तेरे नरमो नाजक बदन ते लिबास तक नहीं होएगा, पैरों च जुत्ती नहीं होएगी, सूरज तपा रहा है ते गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा है, पानी की वजह करके प्यास की वजह करके हजरत मोहतरम जबाना खुशक हो जाएगा, पीने को पानी नहीं लगेगा। एक मेरे मौला करीम दे अर्श दे साए दे इलावा किसी चीज का कोई साया नजर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। प्यास की वजह करके पिलकते होंगे लोग। अल्लाह अकबर। कोई नहीं वारू बनना जिंद निमाणी दा, कोई नहीं वारू बनना जिंद निमाणी दा, लगी ये प्यास खोट मिलना नहीं पानी दा, दूर एक हौस दिसे नबी हकानी दा, पता नहीं साकी ये कौसर कीमत की लाई है, चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई है। बड़ा अजीब मंदिर होएगा क़यामत वाले दिन दा। अगर मौला करीम फरमांदे ने इल्ला मन अदीना लहुर रहमान वकाला सवाबा, कुछ लोगों नू असी इजाजत देंगे, कुछ लोगों नू असी मोहलत देंगे, कुछ लोगों नू असी बोलन दी ताकत देंगे। जदों लोग जमा हो जाणगे ना ते कहणगे यार की करिए, इत्थे ते बड़ी अदमैश बनी पई है, पसीने च लोग डुबदे ते तैरदे पए ने, की बनेगा इत्थे लोगों दा। यार इहदे तों ते बेहतर अल्लाह हिसाबो किताब शुरू कर देवे, जिन्ना जाणा बदबख्तां जहन्नम अंदर वह जहन्नम चले जावण, जिन्ना जन्नत नू जाणा वह ते सदमैश तों बच जाण। अल्लाहु अकबर। लोग जमा हो के फिर मशवरा करन लग जाए कि की कीता जाए, कहणगे इंज करने आ असी बाबा जी आदम अलैहि सलाम कोल जाने आ, ते उन्हां नू जाके कहने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तुसी सिफारिश करो ना, मौला करीम नू कहो ना कि अल्लाह ताला हिसाब शुरू कर देवे, इह अदमैश साडे कोल बर्दाश्त नहीं पी हुंदी, दिन ते लंघण अंदर ही नहीं पी आंदा, ते प्यास दी वजह करके जबाना खुशक होईयां पईयां ने, जिसम ते साडे लिबास भी कोई नहीं है, बड़े परेशान आ, किसी चीज का साया भी कोई नहीं नजर आ रहा, की करिए किहड़े पासे जाइए, हिसाब शुरू कीता जाए। लोग जमा हो के बाबा जी आदम अलैहि सलाम कोल चले जाणगे। अल्लाह अकबर। सुने वीरा, हजरत बाबा जी आदम अलैहि सलाम नू कहणगे बाबा जी तुसी सिफारिश करो ना, पर बाबा जी जवाब दे जाणगे ना मेरे पुत्र हो, अज अल्लाह दी दात बड़े गुस्से अंदर है, अज मेरा भी पता नहीं की बनेगा, मैनू ते अपना ही डर लगी जांदा है, मैं तुहाडियां सिफारिशां नहीं कर सकदा। लोग चलदे चलदे अंबिया दे कोल आउंदे होंदे, सारे नबी जवाब दे गए, अज सारे वली जवाब दे गए, अज सारे पीर पैगंबर जवाब दे गए, चलदे चलदे लोग हजरत ईसा अलैहि सलाम तू चल जरा आदम अलैहि सलाम तू चल दे हजरत ईसा पैगंबर को आणगे, मगर सारे नबी जवाब दे जाणगे, ते आ जाणगे इकट्ठे रो के लोग मेरे पाक पैगंबर को, मेरे कमली वाले को आ जाणगे, मेरे पीरों मुर्शद को आ जाणगे, मेरे रहबर और रहनुमा को आ जाणगे, मेरे वालिए बताहा को आ जाणगे, शमशुज़्ज़ोहा को आ जाणगे, बदरुद्दुजा को आ जाणगे, पीरां दे पीर को आ जाणगे, इमामुल अंबिया को आ जाणगे, मेरे बदरे मुनीर दे सामने लोग जमा हो जाणगे, ते मेरे पैगंबर फरमाया करदे सन, आका फरमांदे ने अल्लाह ताला ने एक मेरा नाम हाशिर रखिया है, वानिल हाशिर, एक मेरा नाम हाशिर है, अल्लाह दी यो शरुन नास वाला कदमिया, फरमाया लोगो कल कयामत दा दिन होएगा, अल्लाह ताला
ताला पूरी कैनात दे लोगां नूं मेरे कदमां ते जमा फरमा छड़ेगा। अज लोग आ गए सारे नबियां दी उम्मत जमा हो के मेरे पैगंबर दे कदमां ते जमा हो गईयां ने। सोहणिया फलां नबी कोल भी गए आं, फलां रसूल कोल भी गए आं, हर पासू जवाब मिल गया है। हुण तुसी इक आखरी सहारा रह गए हो, तुसी चलो ना अल्लाह दी बारगाह सिफारिश करो ना। सोहणिया तुसी चलो ना अल्लाह दी बारगाह च सजदा करो ना। तुसी सानूं जवाब ना दिया जे, जे तुसी मोड़ दिता ते फिर असीं किहड़े पासे जावांगे। बम्मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा नबी रहमतां वाला, मेरा नबी जहाना वास्ते रहमत बन के आया। हुजूर फरमांदे ने मैं नाल टुर पवांगा इन्हां लोगां दे, मेरे नबी जवाब नहीं देणगे। ओए उम्मतिया इस नबी दा पल्ला छड़ के कदी ओंदे दर ते सिटणा है, कदी ओंदे दर ते सिटणा है, कदी ओनू अपना मुर्शिद बढ़ा लेना है, कदी ओनू अपना रहबर बना लेना है। अल्लाह दे बंदे आ केड़े नबी दा पल्ला छड़ी फिरना है। सारे नबी जवाब दे गए मेरा कमली वाला नाल ही, सारे मुर्शिद जवाब दे गए मेरा पैगंबर तेरे नाल ही। अल्लाहू अकबर आका फरमांदे ने चलो चलो मैं तुहाडे नाल जाना वा, मेरे नबी खाली नहीं मोड़नगे इन्हां लोगां नूं। ढूंढेंगे सभी हशर में के सरकार कहां है, ढूंढेंगे सभी हशर में के सरकार कहां है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहां है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहां है। चलो मैं चलना तुहाडे नाल, चलो मैं जाना तुहाडे नाल। हुजूर फरमांदे ने मैं अल्लाह दी बारगाह जाके सजदे पै जावांगा ते रो रो के रब नूं मनावांगा, अल्लाह दी बारगाह चरदा करांगा। कायनात दा रब मेरे दे अंदर कुछ ऐसे अल्फाज अल्लाहू अकबर उतारेगा मेरे दिल दे अंदर जेड़े अज मैनूं याद नहीं, अज मेरे इलम अंदर नहीं। अल्लाह मैनूं दसी जाणगे मैं बोली जावांगा, अल्लाह दा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अल्लाह मेहरबान हो जाणगे। अल्लाहू अकबर हज़रत मोहतरम तवज्जो करना, गौर करदे जाना। मेरे नबी अल्लाह दी बारगाह सजदे पै के तेरियां मेरियां सिफारिशां करनियां ने। ओए वीरिया मैं अक्सर क्या करना वा, क्यों नहीं बनदा तू अल्लाह दे रसूल दा ताबेदार, क्यों नहीं बनदा तू मेरे नबी दा फरमाबरदार, क्यों मेरे नबी नाल वफावां नहीं करदा, क्यों मेरे नबी दी इताअत अंदर जिंदगी नहीं गुजारदा। एक पासे मैं तेनूं एडा सियाणा जानना वा, एडा चंगा जानना वा, इत्थे दुनिया दे अंदर मैं अखां नाल ऐसे मनाज़र वेखे ने। बाबा जी अपनी औलाद नूं बिठा के वसीयत करदे पे हुंदे ने इस बात दी, मेरा पुत्तर मैं मर भी जावां ना फलां जिहड़ा चौधरी है ओहदा अदब करिया जे, ओहदा हया करिया जे, ओहदा कहना कदी ना मोड़िया जे। मैं पुछिया बाबा जी ओहदी इन्नी ताबेदारी कादे लई, इन्नी फरमा बरदारी कादे लई। पुत्तर असीं खानदानी लोग हाँ, असीं मनसब वाले लोग हाँ, वफा करन वाले लोग हाँ। साढ़े ते एक मुसीबत का वक्त आया सी, औखा वेला आया सी, ते जदों साढ़े ते मुसीबत का वक्त आया वह चौधरी साढ़े काम आया, उन्हें साड़ी मुआमनत की, उन्हें साढ़े ते पैरा दिता, उन्हें साड़ी गवाही दी, उन्हें साड़ी जमानत दी। असीं खानदानी बंदे हाँ, तो खानदानी बंदे एहसान फरामोश नहीं होया करते। मैं ता ही तो औलाद नूं कह के पिया जाना वा पुत्र वह साढ़े औखे वेले काम आया, तुसीं वी उहदा कहना कदी ना मोड़िया जे। ते पूरे वाला दे पास हो ए फकीर दा भी एक सवाल है तुहाडे सामने, दुनिया अंदर एक बार कोई औखे वेले तेरे काम आ जाए ना, ते ओदी ओदी अपनी औलाद नूं दा नौकर बनाण वास्ते तैयार हो जाना है। ते कदी सोचिया ही कि आमत वाले दिन जदों कोई तेरे काम नहीं आएगा उदों मेरा नबी तेरे काम आएगा, जदों कोई तेनू जनाब सीने नहीं लाएगा उदों मेरा पैगंबर तेनू सीने लाएगा, जदों कोई तेरे दुख नहीं वंडाएगा उदों मेरा नबी तेरे दुख वंडाएगा। चाहिए उस नबी नाल फिर वफा की जाए, चाहिए उस नबी नाल प्यार किया जाए। मेरे नबी अल्लाह की बारगाह अंदर सजदे पै जाणगे ते मौला करीम नूं मनाण लग जाणगे। अल्लाहू अकबर। अगर तवज्जो करो ना ते मैं तुहानूं तराना सुना के तुहाडा इमाम तादा कर देवां। मंदर कशी कीती अल्लाहू अकबर, अल्लाह दी तौफीक और रहमत दे नाल। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नूं मना लेना, दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। जुमला बड़ा प्यार वाला जी इमामता दा हो जाएगा। वो साडे वर्गियां गुनागारां नूं, साडे वर्गियां गुनागारां नूं सुन घुट के सीने ला लेना, सुन घुट के सीने ला ल
लेने गल बड़ी सुनने वाली जे उथे कुल नबिया जदों नहा करनी बस पीर मेरे ने हां करनी बस पीर मेरे ने हां करनी उथे सब नबिया मेरे आका नू उथे सब नबिया मेरे मुर्शिद नू अपना सरदार बना लेना दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना चुक चुक अड्डिया लोकी वेखणगे चुक चुक अड्डिया आंदे रहिंदे हो ना सुनदे रहिंदे हो ना ए भाबी लोग ने इन्हां दा पीर ही कोई नहीं ए बेमुर्शिदे लोग ने आओ तुहानू अपना पीर विखावां आओ तुहानू अपना मुर्शिद विखावां अल्लाह की कसम है जिवें दा साडा इंज दा किसे दा है भी कोई नहीं इंज दा रब ने किसे दा बनाया भी कोई नहीं अल्लाहु अकबर अपना पीर वखावा चुक चुक अड्डियां लोकी वेखणगे ए शाना वाला कौन आए ए अजमत वाला कौन आए जद पीर मेरे झंडा हमद वाला जद पीर मेरे झंडा हमद वाला बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेने दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेने मैं मनिया जन्नत बहु सोनी पर उस दिन इस ते उरूजो सी पर उस दिन इस ते उरूजो सी किस दिन जद इस विच मेरे आका ने जद इस विच मेरे मुर्शिद ने सन यारां डेरा ला लेने सन उम्मतियां डेरा ला लेने ओ साडे वर्गियां गुनागारां नू सुन घुट के सीने ला लेने अल्लाहु अकबर नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे ने कयामत वाला दिन होएगा मैं अल्लाह दी बारगाह सजदे पै जावांगा और अल्लाह ताला फरमानगे सोहणिया सर सजदे तू उठा लो कहो की कहना चाहते हो करो सवाल की सवाल करना है करो सिफारिश की दी सिफारिश करनी है आज तुहाड़िया कबूल कीतियां जाणगियां अल्लाहु अकबर मैं कुर्बान जावां मैं सदके जावां मेरे नबी दियां वफावां उम्मत दे नाल ओए उम्मतिया तू भी कदी अपनी औलाद नूं इह वी दरस ते दिया कर अपने बच्चियां नूं मेरा पुत्र मरदे मर जाया जे अल्लाह दे रसूल दी ना फरमानी कदी ना करिया जे नबी पाक दी हुकम अदूली कदी ना करिया जे अल्लाहु अकबर क्योंकि यार औखे वेले जिहड़ा कम आए उहदा बंदे नूं एहसान मंद रहना चाहीदा है ते मेरे नबी ते उदों कम आणा जदों किसे नहीं आणा अल्लाहु अकबर फिर चाहीदा ना अपनी औलाद नूं अल्लाह दे रसूल दा ताबेदार बणाया जाए अल्लाह दे नबी दा फरमा बरदार बणाया जाए तवज्जो करिया जे गौर करिया जे नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे ने हजरत अबू मूसा अशआरी रज़ी अल्लाहु तआला हदीस दे रावी बयान करदे ने फरमाया अल्लाह तआला ने मैनूं दो चीज़ां अंदर इख्तियार दित्ता है वाले करीम फरमांदे ने सुनिया महबूबा असीं तुहानूं इख्तियार देने इन्हां दो चीज़ां दे अंदर या ते इंज करो ना अपनी उम्मत दे दो हिस्से बना लो अद्धी उम्मत बगैर हिसाबों लै जाओ जन्नत दे अंदर कोई हिसाबो किताब नहीं कोई पुछ गिछ नहीं वो चली जाए जन्नत दे अंदर बाकी अद्धी तुहाडी उम्मत कोलों असीं हिसाब लै लैने आ अद्धी उम्मत कोलों जान पड़ताल कर लैने आ अल्लाहु अकबर अल्लाह सुणिया दूसरा किहड़ा मामला है फरमाया या फिर मेरे कोलों सिफारिश दा हक लै लो तुसीं सिफारिशां करदे जाया जे ते मैं तुहाडी उम्मत ते मेहरबानियां करदा जावांगा बस सुणिया नबिया तेरियां वफावां तों कुरबान जावां तेरे प्यार तों सदके जावां उम्मत दे नाल अकीदत तों सदके जावां हुजूर फरमांदे ने मैं अद्धी उम्मत वाली गल नूं इख्तियार नहीं कीता मैं सिफारिश वाली गल नूं इख्तियार कीता है अल्लाहु अकबर काबे लई ओए सोहणिया मेरा दिल कहिंदा है अल्लाह दे नबी अद्धी उम्मत लई जाण च राजी नहीं मेरे नबी चाहुंदे ने मैं सारी उम्मत ही जन्नत च लै के जावां मैं बस अल्लाह दी बारगाह सिफारिशां करदा रवां अल्लाह नूं मनांदा रवां अल्लाह दी बारगाह च गिड़गिड़ांदा रवां ते अल्लाह ताला मेहरबानियां करदे रहण अल्लाह मेरे नाल शफकतां करदे रहण ते मैं अपनी उम्मत दे गुनाहगारां नूं जन्नत च लै जावां इतनी वफा मेरे पैगंबर दी तेरे नाल इतना प्यार मेरे पैगंबर दा तेरे नाल अज तू उस नबी नाल वफा करन नूं तैयार नहीं दाड़ी नहीं रखदा आखे जी
लोग मेनू गल्लां करदे ने सलवार गिटियां तू ऊची रखिया कर मेरे नबी दी सुन्नत है अखे लोग मजाक करन लग जांदे ने अल्लाह दिया बंदिया शादी ते कंजर ना नचाया कर अखे यार ते बेली नहीं रहण देंदे ओए वीर आ कयामत वाले दिन सारे तेनू छड जाणगे मेरा नबी तेरे वास्ते अल्लाह दी बारगाह च सजदे करदा होएगा मेरा नबी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तेरे वास्ते अर्दा करदा होएगा हुजूर सजदे पै जाणगे अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर अल्लाहू अकबर मेरे नबी दी सिफारिशां ते रब तेनू बख्श देना है ते क्यों नहीं तू वफा करदा मेरे पैगंबर नाल क्यों नहीं मुहब्बत करदा तू मेरे नबी दे नाल अल्लाहू अकबर मैं ते क्या करना मैं ते गली गली कूचा कूचा जाके नबी पाक दी मुहब्बत दे अंदर तराना पढ़ चुके वा अल्लाहू अकबर रब ने करम दी छां करनी जिस दम यार ने हां करनी तुसी थकते नहीं गए तवज्जो है वे गल दी समझ भी आ रही नारे तकबीर ताजदारे खत्म नबुव्वत शाने रिसालत नारे तकबीर मौलाना इलियास मदनी साहब रब ने करम दी छां करनी जिस दम यार ने हां करनी मंजर की बनिया हुजूर सजदे च ने अल्लाह ताला की फरमान गे सारे सजदे विचों चुक ले सोना सारे सजदे विचों चुक ले सोना मैं कोई ते थों ना करनी जिस दम यार ने हां करनी मेरा ईमान मेरा तसव्वुर आंदा हुजूर फरमान गे पहला चढ़ दियो मेरे उम्मती मौला पहला चढ़ दियो मेरे उम्मती मौला अगली गल मैं ता करनी अगली गल मैं ता करनी जिस दम यार ने हां करनी अल्लाह ताला ने मेरे नबी नाल मोहब्बतां बड़ियां प्यार बड़ा अल्लाहू अकबर अल्लाह की फरमान गे पूरी तकरीर दा नचोड़ जे शायद जुमले तवज्जो करिया जी अल्लाह ताला फरमान गे जेड़ा जेड़ा तेरी मनदार मेरे आ सुनिया जेड़ा जेड़ा तेरी मनदार अज जन्नत उस दे ना करनी जिस दम यार ने हां करनी बड़ी जरूरी गुजारिश आपते तवज्जो करे जे आका फरमांदे ने अल्लाह ताला दे कोल मैं इस चीज दे इख्तियार लिया मैं सिफारिश करांगा अल्लाह मेरी उम्मत ते मेहरबानी करेगा नाल अगले अल्फाज बड़े ही कीमती और सुन दे काबिल अल्लाहू अकबर और समझण वाले ते पल्ले बनन वाले ने हुजूर फरमांदे ने मेरी उम्मत दे लोगो मेरी सिफारिश हर बंदे नूं फायदा पहुंचाएगी हर बंदे दे काम आएगी मगर मुशरक बंदे मेरी सिफारिश का कोई फायदा नहीं होएगा मुशरक कौन है जेड़ा अल्लाह दी ज़ात नाल शिरक करने वाला है अल्लाह नु वहदा उला शरीक नहीं मंदा अल्लाह दी ज़ात नाल गैरां नु शरीक बनांदा है अल्लाह दी सिफात दे अंदर गैरां नु शरीक बनांदा है अल्लाह दी इबादत दे अंदर गैरां नु शरीक बनांदा है अल्लाहु अकबर अल्लाह दे नाल गैरां नु शरीक बनाण वाला ऐसे बंदे दी मेरे नबी सिफारिश नहीं करनगे मेरे नबी दी सिफारिश ऐसे बंदे दे हक च कदी कबूल नहीं कीती जाएगी लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयो अल्लाह दा वास्ता शिरक जैसी लानत तू बच के रह जे आज दी इस कॉन्फ्रेंस दा पैगाम लेके जाओ आज दे इस जलसे दा पैगाम नोट करके ले जाओ मरदे मर जाया जे अल्लाह दी ज़ात नाल शिरक ना करे जे ला तुशरिक बिललाहि शैया वा इन कुतिलता वा हुर्रिकता फरमाया दुनिया कायनात दे लोगो अल्लाह दी ज़ात नाल शिरक नहीं करना चाहे तनू कट दिता जाए तनू जला दिता जाए राख बना दिता जाए अल्लाह दी ज़ात नाल किसे नू शरीक ना बनाया जे अल्लाह दी ज़ात दा भी कोई शरीक नहीं मेरे अल्लाह दी बाप दा भी कोई शरीक नहीं मेरे अल्लाह दी सिफात दा भी कोई शरीक नहीं मेरे अल्लाह दी इबादत च भी कोई शरीक नहीं इबादत कल्ले अल्लाह दी करनी है कौली इबादत भी अल्लाह दी माली इबादत भी अल्लाह दी बदनी इबादत भी अल्लाह दी फेली इबादत भी अल्लाह दी इबादत दे लायक कल्ले अल्लाह दी ज़ात है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाह कल्ले अल्लाह बेनियाद है अल्लाह दे वालिद है
والدین بھی کوئی نہیں، اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں، اللہ دا ثانی بھی کوئی نہیں، اللہ دے مد مقابل بھی کوئی نہیں، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزا بھی نہیں، حبل بھی نہیں، بد بھی نہیں، سوا بھی نہیں، یوب بھی نہیں، نصر بھی نہیں، نہ کوئی کرنی والا ہے، نہ کوئی پرنی والا ہے، نہ کوئی حجر والا ہے، نہ کوئی شجر والا ہے، نہ کوئی قبر والا ہے، پوری کائنات دا خالق اللہ، پوری کائنات دا مالک اللہ، پوری کائنات دا رازق اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑیاں بنان والا اللہ، لیکھیں چ میکھا مارن والا اللہ، چلدیاں بننے لہن والا اللہ، ڈبدیاں تارن والا اللہ، پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے، جیڑا ازل تو کلا ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جیڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کردا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑی جہالت ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس تو بڑا ظلم ہی کوئی نہیں، اللہ تعالی دا دتا کھا کے، اللہ دا دتا پا کے، اللہ دی زمین تے، اللہ اکبر، بندہ اللہ نال ہی غیراں نوں شریک بناندا رہے، نہ ویریا اللہ دی ذات نال شرک نہ کری، اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا، مشرک بندہ بغیر توبہ دے مر گیا، بھاویں نبی دا باپ ہوے، اللہ تعالی نوں معاف نہیں جے کرنا، مشرک بندہ بغیر توبہ دے مر گیا، نبی دی اولاد ہوے، اللہ نے انہوں معاف نہیں کرنا، نبی دی بیوی ہوے، اللہ نے معاف نہیں کرنا، نبی دا چاچا ہوے، اللہ نے معاف نہیں کرنا، اے گلاں میں کوڑوں نہیں کر رہا، اللہ دی توفیق و رحمت دے نال، ذمہ دار جماعت نال، ذمہ دار سٹیج دے نال منسلک ہاں، اور ذمہ داری نال گل پیا کرنا وا، پڑھ اللہ دا قرآن، پڑھ اللہ تعالی دے قرآن دا مطالعہ کر کے ویکھ، سورہ مریم دا مطالعہ کر لے، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انہاں دا سکا باپ آدر مشرک ہے، عام جا مشرک نہیں، بت تراش تراش کے آپ منڈی چ ویچدا ہے، بتاں نوں اللہ دا شریک ٹھہراندا ہے، بیٹا ابراہیم اپنے باپ نوں دین دی دعوت وی دیندا ہے، توحید دی دعوت وی دیندا ہے، یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، فرمایا میرے ابو جی ہیں میرے والد محترم، انہاں بتاں دی پوجا نہ کریا کرو، کی بنائی بیٹھے جے، نہ سنتے نے، نہ ویکھدے نے، نہ بولدے نے، تہاڈے کسے کم نہیں آن گے، پر باپ باد نہ آیا، انہاں بتاں دی پوجا پاٹ ہی کردا مر گیا، حضور فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو زنجیراں چ جکڑ کے انہاں دے سامنے لیاندا جائے گا، اللہ اکبر، تے نبی ابراہیم دا باپ کہے گا، ابراہیم تو اللہ دا برگزیدہ پیغمبر ہے، اللہ دا لاڈلا پیغمبر ہے، ابراہیم میں جھوٹا تھی، جھوٹا سی تے تو سچا سی، تو چنگیاں گلاں کردا سی تے میں غلط گلاں کردا سی، مینوں اج ساری سمجھ آ گئی، ابراہیم ایک وار مینوں اللہ دے عذاب تو بچا لے، دوبارہ میں وعدہ کرنا وا، تیرے رب نال کسے نوں شریک نہیں بناواں گا، ابراہیم تینوں تیرے رب دا واسطہ ہے، ایک وار مینوں بچا لے، دوبارہ انج دا کام نہیں کراں گا، تے نبی ابراہیم علیہ السلام کہن گے اللہ جی اے میرا باپ ہے، اللہ اکبر، اللہ فرمان گئے ابراہیم ہن تیری زبان تے جملہ آیا ہے، دوبارہ نہیں آنا چاہیے، جڑا ساڈا نہیں او تیرا کتھوں ہو گیا، تینوں پتہ نہیں اسی مشرک دی نجات نہیں کرنی، ایتھے تے آندا میں فلاں دے لڑ لئی، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، اوئے سونے نبی عام نہیں جد الانبیاء ہیں، میں عام بندے دی گل نہیں پیا کردا، نبی ابراہیم پیغمبر نبی پاک دے دادا محترم دی گل پیا کرنا وا، میں اس شخصیت دی گل پیا کرنا جنوں اللہ نے اپنا خلیل آکھیا، میں اس شخصیت دی گل پیا کرنا وا جنے اللہ دی رضا واسطے اپنا گھر باہر چھڈ دتا، میں اس شخصیت دی گل پیا کرنا جنے برادری دیاں جنابتاں نوں برداشت کیتا اللہ واسطے، جنے بتاں نوں توڑیا اللہ واسطے، چیخیں نمرود وچ سٹیا گیا اللہ واسطے، اپنا علاقہ چھڈ کے انہیں پردیس کٹیا تے اللہ واسطے، اپنی جوان بیوی تے بچے نو جنگل بیا بانے چھڑیا تے اللہ واسطے، اپنے بیٹے دے گردن تے چھری چلان نو تیار ہویا تے اللہ واسطے، اتنیاں قربانیاں دین والا پیغمبر ہے، کہندا اللہ سونیا میرا باپ ہے، اللہ فرماندے ابراہیم دوبارہ تیری زبان تے جملہ نہ آوے، مشرکاں نو اسی نہیں بخشنا، مشرکاں دی نجات نہیں کرنی، نبی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرمان کے ذرا تھلے ویکھنا، اپنے قدماں وال نظر دوڑا، نبی ابراہیم علیہ السلام نظراں جھکا لین گے، انہاں دے باپ نوں انہاں دی شکل بدل کے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا، اوئے سونیا شرک نہ کری، شرک دی معافی کوئی نہیں، اللہ دے نال غیر نوں شریک نہ بنا کر، نبی نوح علیہ السلام دا جوان پتر ہے، نبی دی اولاد ہے، نبی دا خون ہے، اللہ اکبر، اللہ نے گوتے دے کے پانی چ ماریا کہ نہیں ماریا، اکھاں دے سامنے ماریا، اوئے نبی سامنے میں بچا سکیا نہیں بچا سکیا، جدوں نبی نہیں بچا سکیا پھر کسی اور سے کا دی امید نہ لائی پھرنا ہے، اللہ اکبر، پڑھ اللہ
अल्लाह दा कुरान। ओ मेरी मां भैन इस फकीर दे जुमले नोट कर ले, अज जगह जगह ते जाके अल्लाह अकबर गैरां दे सामने सजदे ते गैरां कोल पुत्रां ते धीआं दे सवाल पे आंदे ने, नहीं नहीं मेरे अल्लाह दा कोई शरीक नहीं। लिल्लाह मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा अज़्ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ذكران وإناسا ويجعل من يشاء وقيما إنه عليم قدير। जमीन आसमान दियां बादशाहियां कल्ले अल्लाह कोल ने, जो पैदा करना चाहे करम ते कादर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला जिन्हू चाहे बेटियां देवे, जिन्हू चाहे बेटे देवे, जिन्हू चाहे रलवे देवे, जिन्हू चाहे कुछ भी ना देवे, बांच बना देवे। कितने नबी ऐसे जेड़े बेऔलाद चले गए, कितने वली ऐसे जेड़े बेऔलाद चले गए, कोई किसी नु कुछ नहीं दे सकदा। अल्लाह अकबर, अकीदा ठीक कर लिया, अकीदा ठीक कर ले। ऐ नबियां दियां बीवियां ने, नबियां दियां बीवियां पर अल्लाह दी दात नाल शिरक करन वालियां। मैं आम बीबियां दी गल नहीं पिया करदा, उन्हां बीबियां दी गल है जिन्हां नबियां दी औलाद नु जन्म दिता है, उन्हां बीबियां दी गल है जिन्हां नबियां दा खाना पकाया, जिन्हां नबियां दे बिस्तर सजाए, जिन्हां नबियां दी तस्कीन दा जड़ियां बायस बनियां। अल्लाह ताला दा कुरान कहिंदा है नबी नूह अलैहिस्सलाम दी बीवी है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम दी बीवी है। अल्लाह फरमांदे ने वकील दुखुलन नारा मा दाखिलिन, जान गियां जहन्नम अंदर, बालण बन गियां जहन्नम दा। नबियां दियां बीवियां जान गियां जहन्नम अंदर, क्यों? तौहीद वाली अमानत खयानत कर दियां रहियां ने। अल्लाह अकबर, होर तेनूं करीब लैके आवां, अल्लाह दी कसम है मेरे नबी दा सक्का चाचा है अबू लाब, मक्के दा चौधरी है, मक्के दा वडेरा है, बड़ा मेरे नबी दा करीबी है, ते नबी पाक दा सक्का चाचा जे अबू लाब। पर अल्लाह दा कुरान कहिंदा है तब्बत यदा अभी लखब मतब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, जहन्नम दा ईंधन बना दिता गया। ओए मेरे नबी दा सक्का चाचा, मेरे नबी दा खून, ओए मेरे नबी दा जनाब करीबी रिश्तेदार है, पर जाएगा जहन्नम अंदर, क्यों? अल्लाह अकबर, अल्लाह दी दात नाल शिरक करन वाला। चौधर कम नहीं आई, निस्बत कम नहीं आई, रिश्तेदारी कम नहीं आई, दौलत कम नहीं आई, हुसन कम नहीं आया। ओए अल्लाह ताला चौधरा नहीं वेखदा, अल्लाह नंबरदारियां ते अल्लाह ताला जगीरदारियां नहीं वेखदा, अल्लाह चौधरा वेखदा। नमरूद दे सिर च जुतियां कदी ना वजदियां, अल्लाह ताला नंबरदारियां नंबरदारियां वेखदा। अल्लाह दी कसम है हजरत जनाब हजरत मोहतरम फिरौन जड़े ओनू गोते दे के ना मार दिता जांदा। अल्लाह ताला जनाब दौलत वेखदा, अल्लाह करून जैसे काफर नु सने खजानियां दे जमीन अंदर ना दनसा देंदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसे दा हुस्न वेखदा, ते नबी पाक दा चाचा अबू लाब ते एडा सोहना सी अकल दे एतबार नाल, जोदे रुख सारे इंज चमकदे जिवें अग दा अंगारा चमकदा है, पर जानगे जहन्नम अंदर। मुशरक बंदे दा कोई मुकाम नहीं अल्लाह दी बारगाह च, मुशरक जहन्नमी है, जहन्नम दा बालन बनेगा, किसे दी सिफारिश कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। अल्लाहु अकबर, तौहीद वालियां दी इज्जत है, तौहीद वालियां दा मुकाम है, तौहीद वालियां दा इनाम है। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी दी सिफारिश तौहीद वालियां दे हिस्से च आएगी। आ मैं तेनू मुशरकां दा अंजाम भी दसिया, आप तेनू तौहीद वाले दा मुकाम भी दस के जावां। अल्लाहु अकबर, मक्का दी सरजमीन है, ते मक्का दी सरजमीन ते इक जवान है, चौधरी भी कोई नहीं, वडेरा भी कोई नहीं, दौलतां वाला भी कोई नहीं, हुसन वाला भी कोई नहीं, बाहरों एडा सोहना नहीं है पर दा बड़ा ही सोना है, काले रंग वाला गुलाम है, मोटे मोटे ओठा वाला गुलाम है, आप भी गुलाम है, एदी मां भी गुलाम है, एदा बाप भी गुलाम है, गुलामी च जिंदगी प्या गुजार दा। पढ़ लिया कलमा मेरे नबी दा, अल्लाह दी तौहीद दा इकरार कर लिया है। मुशरकीन ने मक्का नू पता लग गया, तो उन्हें मेरे नबी दे सी यार नू मारना शुरू कर दिता, इतना मारिया, इतना मारिया, कदी मक्के दे नू किले पत्थरां ते कसीड़दे ने, कदी मेरे बिलाल नू गर्म रेत ते लिटा ਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਭਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਪੈਂਦਾ ਮਾਲ ਚ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਲਹੂਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਮ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਂਸੂ ਬਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਪੈ ਗਿਰਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ
लालू मार मार के गरम रेत ते लिटाया होया ते सीने ते पारी पत्थर रखे होया ते सिर ते तलवार लैके उमैया खड़ा होया इंदा बिलाल अज भी तेरे कोल वेला है अज भी तेरे कोल वक्त बाद आ जा ना अल्लाह दी वहदानियत बयान करया कर आहद आहद दे नारे ना मारया कर बिलाल तू इंज कर ना अल्लाह नु भी मन्नी जा ते मेरे नात नु भी मन्नी जा मनात नु भी मन्नी जा मेरे हुबल दी भी पूजा करया कर बिलाल कहंदा नहीं नहीं मैं इको अल्लाह दी पूजा करनी है मैं इको अल्लाह नु अपना इलाह मन्ना अल्लाह दे इलावा कोई इलाह बिलाल यार चंगा रह जाएगा अगर तू मेरे इलावा नु मन लिया मैं तेनु आजाद कर देना है मैं तेनु छड़ देना है अगर तू ना मन्या ना ते मैं तेरी जान ले लेनी है तलवार मार के तेरी गर्दन उतार देनी है अल्लाह अकबर यार मंदिर ते अखां दे सामने लेके आ निकियां निकियां गल्लां ते डोल जावे कदी मेरे नबी दे सहाबा दियां जिंदगियां पढ़ के वेख उन्हां दी सीरत दा मुताला करके वेख किसे दियां अखां कढ़ दित्तियां अल्लाह दी तौहीद दी खातर किसे दे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कर दित्ते अल्लाह दी तौहीद दी खातर किसे नूं दो हिस्सियां च वंड दित्ता अल्लाह दी तौहीद दी खातर किसे नूं तख्तदार ते चढ़ा दित्ता अल्लाह दी तौहीद दी करके किसी के जिसम के पोरे पोरे कट के जनाब उन्होंने जुद जुद नलैदा करके उन्होंने हार बना के गलिया च पा लिया अल्लाह की तौहीद की वजह करके कई मार मार के अंगारिया से लिटा दिता गया अल्लाह की तौहीद की वजह करके तू की समझना के जन्नत मुफ्त च लब जाएगी अल्लाह फरमाते ने अम हसीब तुम अम तदखुल जन्ना की जानना है कि जन्नत एवं लब जाएगी जन्नत लैन वास्ते अल्लाह की तौहीद की खबर इंज भी दुनिया ते आए जिन्हां दे सिरां ते लोहे दे आरे ही चला दिते गए ने कई इंज दे भी आए जिस्म च लोहे दियां मेखां रोप दित्तियां गईयां कईआं दे बच्चियां नूं उन्हां दियां अक्खां दे सामने खोलदे होए तेल च जला के कोला बना दिता गया कईआं दे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कईआं दियां अंतड़ियां मार मार के कढ दित्तियां गईयां मेरा बिलाल मारां वी खाई जांदा है आहद आहद दे नारे भी मारी जांदा बिलाल चंगा रह जाएगा बिलाल हुण वी मन जा चंगा रह जाएगा मन जा मेरे कुबल नू मान जा मेरे लाहत मनाहत नू हुण फैसला तेरे कोले अगर मन जाएगा अदाती मिलेगी दौलत मिलेगी नहीं मनना तलवार नाल तेरी गर्दन उतार देनी है हाय बिलाल तेरे हौसले नू सलाम है तेरे जिगरे नू सलाम है इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू मैं नबी दे यारां दी अज़मत सुनांदा जावां सारी रात ते पड़ी जावां सुम्मस्तकामू एडे इस्तकाम ताले एडे बुर्द बहार मेरे पैगंबर दे सहाबा एडे जानी सार मेरे नबी दे यार एनियां कुर्बानियां देण वाले एनियां मारां खाण वाले अल्लाह दे दीन दी खातर फरमाया जिन्ना क्या साडा रब अल्लाह है फिर अज़मैशां दे पहाड़ टुट गए मगर सुम्मस्तकामू तलवार लैके सिर ते खड़ोता बिलाल दे सीने ते पत्थर रखिया ते जमीन ते लेटे होया है अल्लाहु अकबर मौत दा इधर बिलाल दी आवाज आए उधर दिल करे तलवार बिलाल दी गर्दन ही उतार दे मगर कुर्बान जावां बिलाल दे हौसले ते इस्तकामत फरमांदे ने अल्लाहु अहद वाह बिलाल कायनात दियां सारियां दौलतां तेरी जुत्ती तू कुर्बान कर दित्तियां जान हक अदा ना होवे इत्थे टके टके ते बंदे डोल जांदे ने बिलाल मौत नूं वेख के भी नहीं घबरांदा अल्लाह हू अकबर फिर अल्लाह ने शान भी दिता ना चलदा मक्के दे नुकीले पत्थरां ते है अल्लाह टुरन दियां आवाज़ां जन्नत दियां उरां नूं सुणांदा है वाह वाह हबशो आई शान तक लै उच्ची कवो जरा हबशो आई शान तक ले डोलिया नहीं ईमान तक ले ईमान ईमान हबशो आई शान तक ले डोलिया नहीं ईमान तक ले काबे ऊपर अजान तक ले काबे उते अजान तक ले आका पुछ दे जन्नत दे अंदर टुरदा कौन ए होर पिया टुरदा ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया टुरदा ए ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया काले रंग विच जमाल तक आए
काले रंग च भी बड़ा जमाल होंदा, जे बंदे दे पल्ले अकीदा ही ना होवे ते सोने दा भी की करना। अबू लाब सोना नहीं, ओए काला बड़ा सोना है, एदे दिल चला ने अकीदा तौहीद रख लिया। अल्लाहु अकबर। काले रंग विच जमाल तके आए, हबशा दा इक लाल तके आए, काला रंग ते हबशे दे रहन वाला कीता प्यार बिलाल ने दिल लाके, कलमा छड़ दे बिलाल नू कहन काफर, पत्थर मार दे तलियां च किल लाके, कलमा नहीं छड़ना ए बिलाल क्या। तुसी वेख लो अपना तेल लाके, रब ने रंग बिलाल दा वंड छड़िया, हर सोने मुखड़े ते तिल लाके, काले रंग विच जमाल तके आए, हबशा दा इक लाल तके आए, जिसने सोना बिलाल तके आए, आका पुछदे जन्नत दे अंदर तुरदा कौन ए होर पिया, ताए ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी दी सिफारिश दा हकदार मुशरक नहीं होएगा। तौहीद वाला हदीस पाक जांदा है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला हदीस दे रावी बयान करदे ने, नबी पाक नूं एक दिन सवाल करन लगे, पर मैं सुनिया दसो ते सही ना, तुहाडी सिफारिश दा हकदार कौन बनेगा, किहड़े बंदे नूं तुहाडी सिफारिश कम आएगी। ते हुजूर फरमांदे ने, जिहड़े बंदे ने इखलासे नीयत नाल पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया अबू हुरैरा अल्लाह ताला उन्हें मेरी सिफारिश दा हकदार बना देवेगा। हजरात मैं दसना चाहना, हुण बड़े इख्तसार नाल मैं दो चार बंदियां दा जिक्र करना है, जिन्हां दी मेरे नबी सिफारिश करनगे ते मेरे नबी दी सिफारिश उन्हां दे हक ही कबूल हो जाएगी। पहला खुश नसीब जिन्हें इखलासे नीयत नाल पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। एक नुक्ते दी गल जेहन च बिठा लो, अल्लाहु अकबर, मेरे नबी ने इह नहीं आखिया, जिन्हें पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह ओह बंदा गया जन्नत अंदर, ओनू मेरी सिफारिश लभेगी नहीं। नहीं पर मैं जिन्हें खलासे नीयत नाल पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह की माना, इत्थे बंदे कलमा भी पढ़ी जांदे ने, चोरियां भी करी जांदे ने, कलमा भी पढ़ी जांदे ने, कबरां ते सजदे भी करी जांदे ने, कलमा भी पढ़ी जांदे ने, गैरां दे नाम दे जनाब चढ़ावे भी चढ़ाई जांदे ने, कलमा भी पढ़ी जांदे ने, नमाज एक भी नहीं पढ़दे, कलमा भी पढ़ी जांदे ने, लोकां दी इज्जतां भी लुट्टी जांदे ने, कलमा भी पढ़ी जांदे ने, यतीमां दा माल भी खाई जांदे ने। नहीं नहीं, इखलासे नीयत नाल पढ़न दा मतलब कलमा पढ़िया फिर कलमे दे तकादियां नूं पूरा कीता, कलमा पढ़िया फिर कलमे दे अहकामां दी पाबंदी कीती, कलमा पढ़िया अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी ताबेदारी करके विखाई, कलमा पढ़िया अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा फरमाबरदार बन के रहा। ऐसा बंदा जिन्हें कलमे दे तकादियां नूं पूरा कीता, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न वाला हो पढ़िया कर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, मन कहना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जेड़े बंदे ने हजरात मोहतरम इखलासे नीयत नाल पढ़िया ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह दा अफजल तरीन जिक्र है, ते जिदी जबान दा आखरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होएगा, इधर मौत आएगी ओदे जन्नत लब जाएगी। अल्लाहु अकबर। पहला खुश नसीब जिन्हें इखलासे नीयत नाल पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ मेरे नबी फरमांदे ने मेरी सिफारिश दा हकदार बन गया, मैं ओदी सिफारिश करांगा। दूसरा खुश नसीब सही बुखारी अंदर रवायत दिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरमाया जदों मस्जिद अंदर अजान आंदी है ना अजान, ओनू तवज्जो नाल सुनिया करो, वज़न अजान पढ़े अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फरमाया अजान सुन के ना ते अजान दा जवाब दिया करो, जिवें जिवें मुअज्जिन पढ़दा जावे तुसीं भी पीछे पीछे पढ़दे जाओ। जदों मुअज्जिन कहे हय्या अलस्सलाह, उदों कह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह जी मैं नमाज पढ़नी है, नमाज मेरे ते फर्ज़ है, पर मौला तू मेनू तौफीक दे मैं नमाज पढ़ा। हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह जी मैं कामयाबी चाहना वा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह मेनू तौफीक दे, तेरी तौफीक दे बगैर ते मैं कामयाब नहीं हो सकदा। अल्लाहु अकबर अजान मुकम्मल सुन ली ते अजान दा जवाब दे दिता है, फिर फरमाया मेरी जात ते दुरूद पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर दी जात ते दुरूद इब्राहिम। एदे बाद आका फरमांदे ने, जेड़ा बंदा मेरे वास्ते दुआया कलेमात बोलदा है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दाव
والتامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة لباس مقام محمودا الذي وعدا جڑے بندے نے میرے واسطے دعائیں جملے بولے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو ہی میری سفارش دا حقدار بنا دےوے گا میرے نبی دی سفارش لبے گی اے عمل کرن دے نال میرے نبی دی سفارش دا تو حقدار بن جائے گا تیسرا خوش نصیب جنوں میرے نبی دی شفاعت کبرا نصیب ہوئے گی اللہ اکبر صحیح الجامع اندر روایتاں دی اے سید حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی حدیث تے راوی بیان کردے نے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ صبح اور شام 10-10 مرتبہ میری ذات تے درود پڑھدا اے اللہ اکبر پابندی نال پڑھدا اے ڈیلی روٹین نال پڑھدا اے صبح نو 10 مرتبہ شام نو 10 مرتبہ درود پڑھدا اے درود کیڑا پڑھنا اے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد درود پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے مگر مسنون پڑھنا ہے جڑا میرے نبی نے سکھایا ہے اج لوگ سانو کہندے نے اے وابی لوگ نے اے درود دے اونجی منکر نے درود پڑھدے ہی نہیں درود دسدے ہی نہیں بھائی میں درود پیا دسنا درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر مگر اللہ دا نام ہی مسنون پڑھیا کر جڑا میرے نبی نے سکھایا ہے اللہ اکبر باقی رہ گئی گل میں درود پڑھنا کہ نہیں پڑھدا او یار میں آنا او نماز اللہ قبول ہی نہیں کردا جدے چ میرے نبی دی ذات تے درود نہ ہوے او نماز جنازہ اللہ دی بارگاہ چ قبول نہیں کیتی جاندی اللہ اکبر جدے چ میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے اس دعا نو اللہ ردی علی ٹوکری چ سٹ دیندے نے جدے چ میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے درود پڑھنا ہے ضرور مگر مسنون پڑھنا ہے جڑا میرے نبی نے سکھایا ہے پڑھدا کپڑیا کر اٹھدا بیندا چلدا پھردا پڑھیا کر اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد درود پڑھ تیرے دکھ ٹل جان گے تیری مصیبتاں مک جان گیاں تیرے گناہ معاف ہو جان گے حضور فرماندے نے جڑے بندے نے درود پڑھیا صبح 10 مرتبہ تے شام 10 مرتبہ یار کنے ک ٹائم لگدا ہے بندہ تسلی نال وی پڑھے نا تے زیادہ تو زیادہ 10 منٹ لگدے نے کیا تو 24 گھنٹے چ 20 منٹ وی میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھ سکدا اوے ویرے آ فائدہ پتہ کنا ہوئے گا ایک وار میرے نبی دی ذات تے درود پڑھ اللہ تیرے تے 10 رحمتاں نازل کرن گے اللہ تیرے 10 درجات بلند کرن گے 10 گناہ تیرے معاف کر دتے جان گے درود پڑھے گا میرے نبی دی ذات تے اللہ تیریاں ٹینشناں وی بکا دین گے تیرے گناہ وی مٹا دین گے درود پڑھے گا صبح شام میرے نبی دی ذات تے حضور فرماندے نے میں اس بندے دا سفارشی بن جاواں گا قیامت والے دن اس بندے نو میری شفاعت کبری نصیب ہو جائے گی کڈا اک مہنگا سودا یار پڑھیا کر درود پڑھیا کر آقا تے درود تے سلام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے کہ پڑھے آ درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں یاد کر ویلا اس یارِ غار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئیے تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اللہ اکبر صرف دو حدیثاں سناواں گل مکاواں اللہ اکبر چوتھا خوش نصیب جنوں میرے نبی دی سفارش نصیب ہوئے گی پنجاں دا میں ذکر کرنا ہے پنجاں دا جنہاں نوں میرے نبی دی شفاعت کبری نصیب ہونی ہے گل مکن لگی جے حضرات محترم چوتھا خوش نصیب عبرانی شریف اندر روایت آندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح صبح دے ویلے کم از کم 3 مرتبہ اے کلمات اپنی زبان وچ
अदा करता है रजीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया जेड़ा बंदा कलिमात अपनी जबान विचों अदा करता है सुबह सुबह तीन मरतबा या बाद दफांदा है सुबह ते शाम तीन तीन मरतबा ऐ बंदा कलिमात पढ़दा है हजरत मोहतरम ओए सोने आए बड़े सोने जुमले ने पढ़या कर उठदा फिरदा चलदा फिरदा रजीतु बिल्लाहि रब्बा पता है की माना है रजीतु बिल्लाहि रब्बा अल्लाह मैं तेरे रब होण ते राजी व बिल इस्लाम दीना मैं इस्लाम दे अपना दीन होण ते राजी मन के नु राजी व बि मुहम्मदिन नबिया मैं नबी पाक इस्लाम नु अपना नबी रसूल मन के राजी अल्लाह मैं राजी हां मैं राजी हां मैं राजी हां ओए बंदे आ रब दी रजा दे बोल बोले कर अल्लाह नु राजी करम दे बोल बोले कर अल्लाह तेरे ते राजी हो जाएगा अज निकियां निकियां गल्लां दी टेंशन लेके ना शुक्रा बन जाना है अल्लाह अकबर अल्लाह दी रजा ते राजी करया कर किथे याद आए मेनू अल्लाह दे वली सूफी बाकर रहमतुल्लाह अलैह तांगलियां वाला दी सरजमीन दा अल्लाह दा वली शेखुल हदीस सूफी बाकर रहमतुल्लाह अलैह हर वेले विरदी यो पकाया आया अल्लाह मैं तेरे ते राजी हां अल्लाह बाकर तेरे ते राजी है। एक दिन मेनू एक जवान ने दसिया बाबा जी जेड़े ना साडे बुजुर्ग दसिया करदे सन के बाबा जी जा रहे ने सफर दे अंदर अल्लाह दे दीन दी गल सुनाण दावत सुनाण वास्ते लोगां नू अल्लाह हू अकबर रस्ते दे अंदर ठुड्डा लग्या ते सूफी साहब जमीन ते डिग पए अल्लाह दे वलियां दीआं गल्लां वी कमाल हुंदियां ने जमीन ते डिगे ना ठुड्डा लग्या जमीन ते गिरे ते चोट वी लग गई है अज मैं डिगा ते मैं कहना हाए अम्मी जी हाए अबू जी तुसी गिरो ना हाए अल्लाह जी हाए अम्मी जी हाए अबू जी बाबा जी गिर गए जमीन ते चोट वी लग गई है ते आवाज आई अल्लाह बाकर तेरे ते राजी है अल्लाह मैं तेरे ते राजी हां अल्लाह मैं तेरे ते राजी हां किंज अल्लाह दी रजा ते राजी। एक बाबा जी दसदे साडे घर दे अंदर आए इत्थे मस्जिद अंदर बयान कीता ते जनाब बैठक अंदर आराम कीता मैं वी लागी पिया सी रात नु मेरी अख खुली है ते बाबा जी सुते पए अचानक इंज करवट बदली है पासा बदलिया है ते बाबा जी दी आवाज मैं कन्ना नाल सुनी है आवाज आई अल्लाह बाकर तेरे ते राजी है अल्लाह मैं तेरे ते राजी हां हर कोई जुमला लोग कहंदे बाबा जी इक्को ही विरद पकाई रखदे हो होर भी बड़े बड़े वजीफे ने तुसी इक्को ही गल करी रखदे हो कहंदे पता मैनू भी सारे वजीफे आंदा है पर मैनू प्यारा बड़ा लगदा है मैं हजार वार कवां मैं लख वार कवां मैं करोड़ वार कवां अल्लाह मैं तेरे ते राजी हां मैं राजी हां मैं राजी हां कोई गल नहीं जे मेरे रब नू रहम आ गया एक वार मेरे रब ने कह दिता जा बाकर मैं भी तेरे ते राजी हां ते बाकर दा बेड़ा बन्ने लग जाएगा बाकर कामयाब हो जाएगा रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मोहतरम जेड़ा बंदा पढ़दा ना जरा रजीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया हुजूर फरमांदे ने कियामत वाले दिन एदा हाथ फाड़ के एनु जन्नत च मैं अपने नाल लै जावांगा हाथ फाड़ के लै जावांगा ओ सोहणिया कितना बड़ा अमल है। अज किसे चौधरी दे डेरे ते बंदा जाए ते ओ बाहर आके इस्तकबाल करे ते बंदा पूरे इलाके नु दसदा है चौधरी दे डेरे ते मेरा इंज दा इस्तकबाल हाथ फाड़ के मैनू आप इस्तकबाल करके अंदर ते ओ बंदा किड्डी उच्ची शान वाला जिनू मेरे नबी फड़ के हाथ कहन चल यार चलिए जन्नत अंदर चलिए जन्नत दा दाखला तेनू दिला के आवां। अल्लाह अकबर कैसा खुश नसीब है लोग गल मुगी ते आखरी मेरी बात जे नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह अकबर एक ओ खुश नसीब भी मेरे नबी दी सिफारिश दा हकदार हका फरमांदे ने जिनू अल्लाह ताला ने तुहाडे विच इस्तताअत दित्ती होई है ओनू चाहिदा है कि मेहनत कोशिश करके मदीना तैयबा च अपनी रिहायश बना लै क्योंकि जेड़े बंदे नू मदीना तैयबा दे अंदर ईमान दी हालत च मौत आ गई मैं अल्लाह दा नबी ओदा भी सिफारशी बन जावांगा ओदी भी सिफारिश करांगा तुसी कहना मौलाना बाकी काम ते चलो कर लईए ए बड़ा ही औखा काम है मदीने रिहायश बनाना बड़ी कीमत बड़े पैसों की जरूरत है बड़ा कुछ लगेगा फिर नसीबां दी गल है उत्थे ईमान दी हालत च बंदे नू मौत लब्भे ए ते बड़े मुकद्दरां दी गल है बिल्कुल ठीक है बुरे वाला दे बासी हो ए बड़े मुकद्दरां दी गल है मगर यार नामुमकिन काम ते नहीं है कि अल्लाह को असी दुआ ही नहीं कर सकते अल्लाह को मांग भी नहीं सकते अल्लाह को सवाल भी नहीं कर सकते इस बाब दा ओए सवाल करया कर रब को दुआवां करया कर अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है अल्लाह तेरे जान दे सबब पैदा कर देगा ईमानदारी दी गल है। साडे साहिवाल दा एक बाबा सी बुजुर्ग रेड़ी लाया करदा सी फ्रूट दी थोड़े थोड़े पैसे उन्हें जमा किए उमरा करन वास्ते चला गया मदीने जाके उन्हें मौत आ गई उथे उहदा जनाजा होया उथे ही उन्हें बकी अंदर दा
दफन कर दिता गया। यार बंदे दे दिल च नीयत होनी चाहिए, बंदा रब को मांग के देवे के। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अल्लाह तआला को दुआ करया करदे सन, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद हबीबिक। एक कहना प्या रब्बा मैं उमर नु शहादत दी मौत भी अता कर दे ते नबी दे शहर मदीने च अता कर दे। ते अल्लाह तआला ने पता है किवें दुआ कबूल की थी। अल्लाह ने शहादत दी मौत भी दिती है शहर मदीने च दिती है ते नबी पाक दे नाल सौण दी जगह भी दे दिती है। तू मंग अल्लाह तआला को दुआवां। अल्लाहु अकबर दाते मोहतरमा दी करीब दी तुहानू गल सुणावा। जो बंदी मकतबे फिकर दे बहुत बड़े आलमदीन मौलाना अब्दुल मजीद नदीम रहमतुल्लाह अलैह है जनाबा दी करीम अंदर उन्हें वफात पाई है। बड़ी अल्लाह की तौहीद बयान करया करदे सन, अपनी गुफ्तगू अंदर फरमांदे फरमाया करदे सन। मेरे मैनू किसी भाई ने वीडियो क्लिप भेजा, वल्ला फरमा रहे ने कि जेडे मसलक के अहले हदीस दे जनरल अलामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह सन, वो मेरे सज्जन बेली सन, मेरे दोस्त सन। खत्म नबुव्वत दे हवाले नाल अल्लाह दी तौहीद दे हवाले नाल इकट्ठे प्रोग्राम असीं करया करदे ते मदीना तैयबे च इकट्ठे हो गए। उत्थे बकी कब्रस्तान जाके दुआ पे करने आ ते अलामा सब रो रो के अल्लाह को दुआ करन लग गए। अल्लाह सोणिया कहना दरबा तेरा कुछ नहीं जाना के मैं गुनाहगार नूं इत्थे सौण दी जगह दे देवे। अल्लाह तेरा बंदा ऐ अल्लाह मैं सौण बड़ा गुनाहगार है बड़ा खताकार है, पर रब्बा तेरे खजाने च केड़ी कमी आ जाएगी के अल्लामा एहसान नूं इत्थे सौण दी जगह दे देवे। रंदे अंदर इत्थे जरा बकी कब्रस्तान दे अंदर अल्लाह तू मेहरबानियां फरमा दे। हजरात ते मोहतरम अल्लामा एहसान लई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ कीती मदीना तैयबा दे अंदर, फिर रब ने कबूल किवें कीती। तमाका तेरे लाहौर अंदर होया, इलाज जाके सऊदीया रियाद अंदर होया, जनादा मेरे अल्लामा एहसान दा मस्जिद नबवी विच होया ए ते अल्लामा एहसान दफन जाके जन्नतुल बकी विच होया ए। दुआ मंगया कर अल्लाह ताला कोलो। अल्लाहु अकबर अल्लाह मुश्किल आसान कर देवेगा, वाला तेनू मदीने ईमान दी हालत च मौत ते छड़ेगा। चलो आपां दुआ करिए गल मुकाइए। मैं तेरा दा जीना ठारा दरा मुहब्बत दे नाल गली होवे मदीने दी टुरण दा तां मजा आवे ओ बागो मैं फिरण दाता मजाया वे गली होवे मदीने दी टुरण दाता मजाया वे ऐसी ना मिंबर नालो वे सबज गुंबद दी छां होवे असा मुद्दतां दे सिकदियां नूं असा मुद्दतां दे सिकदियां नूं ठहरण दा तां मजा आवे ओ बागो में खजूरां दे फिरण दा तां मजा आवे। ते मेरा दिल कहिंदा अल्लामा एहसान लई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह बकी कब्रस्तान खड़े होके रो के अल्लाह को यही दुआ मांग रहे होने ने, इनके जुमले ही बोल रहे होने ने, मरण तू मैं नहीं डरदा ए मौत इक दिल ते आनी मरण तू मैं नहीं डरदा ए मौत इक दिल ते आनी कबर होवे बकी अंदर कबर होवे बकी अंदर मरण दा ताम जाया वे ओ बागो में कुजूरा दे फिरण दा ताम जाया वे अल्लाह
अल्लाह फरमांदे ने ओ दिन बरहक है, हुण मर्जी तुहाडी है वी तुसी किवें दे अमल लैके आंदे, चंगे अमल लैके आंदे हो के भैड़े लैके आंदे ने तुहाडे ते। इस वास्ते मेरे भाइयों अच्छे अच्छे अमल कमाओ कि साडी आखरत ते साडे काम आ जाण, असीं नबी पाक दी शफाअत ते कुबरा दे हकदार बन जाइए। अल्लाह को दुआ है जो सुनया सुनाया अल्लाह सानू सारे नू ओदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वैसे ना इन्हों के दसन तो बगैर मेरा जाती रबता से शाह साहब ना सा कोई इदारे के वाल ना मेरी उन्होंने मीटिंग से मैनू भी उन्होंने कहा कि मैं आना है प्रोग्राम से समुंदरी साड़ी मीटिंग होएगी, लेकिन वो उन्होंने फिर उत्थे आए ने उन्होंने को अमरजेंसी कोई ऐसा मसला को बनया जमाती फिर वापस चले गया समुंदरी तो ते बाद उलमा नाल बन जाते हैं इस तरह के मसायल। ज़ेहन अच्छा रख्या करो, दुआ करया करो, अल्लाह ताला तमाम दा हामी नासिर होए। उन्होंने बड़ी दीन दी खिदमत की थी है, अल्लाह जानदा जे आप इत्थे बैठ कह देने बहुत खिलाफ ने नहीं आते, असी उत्थे जा के वेखने आ। 4.5 करोड़ रुपया शाह साहब के मरकज़ का सालाना खर्चा है, उस मस्जिद दे विच एडा वड्डा मरकज़ है जिथे इमाम खतीब आए सन, इमाम खतीब सिर्फ इमामत खिताबत वास्ते साढ़े ते सारी सारी जिंदगी आप गुजार जाने ते 10 बच्चे नहीं पढ़ाए जाते साढ़े को। सैयद सप्तैन शाह नकवी साहब हाफिज़ाउल्लाह असी इदारा जाने रहने बयान करते रहने, उत्थे सैकड़ों की तादाद अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, दीन पढ़ रहे हैं। 4.5 करोड़ रुपया महाना खर्चा है तो उन्होंने सेरीए उन्होंने बस अल्लाह दे ही जाता निज़ाम चलाई जाता। बड़ी उन्होंने तबलीग की है, बड़ा तुम्हें मसलक दीन सुनाया कुरान सुनाया, कोई गल नहीं बार दफा ना आ सकन तो दुआवें च याद रख्या करो, शिकवा ना कराया करो, दुआ कराया करो अल्लाह उन्होंने सेहत दे। डॉक्टरों ने मेरे सामने की गल बड़ी सख्ती उन्होंने मना किया सफर ना करो, असी लोग फिर मजबूर कर लेने उन्होंने फिर वो चुप कर जाते हैं, जिथे पहुंच सकते हैं पहुंच जाते हैं, जिथे नहीं पहुंचा जाता नहीं। अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला को दुआ है जितने तुसी अहबाब तशरीफ ले आए हो जिन्हें भाइयों ने मेहनत कोशिश की है अल्लाह सारे दी मेहनतों कबूल फरमाए। दुआ फरमाओ सारे भाई दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुर्सलीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बाना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फिरली व लिवालिदैय्य व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या इलाहुल आलमीन असी बड़े गुनाहगार अल्लाह असी बड़े सियाक्ता अल्लाह अपनी रहमत नाल साडे सारयां दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया छड़ के चले गए सारे अहले ईमान दियां कब्रां नूं जन्नत दा बगीचा बणा। या अल्लाह फलस्तीन और कश्मीर दे मज़लूम मुसलमानां दी गैबी मदद फरमा। अल्लाह मलक यासीन साहब नूं रिहाई नसीब कर। या अल्लाह जितने मुसलमान परेशान ने सारे दे दुख दूर कर। अल्लाह जिन्हें बे औलाद ने सारे नूं नेक नरीना साले औलाद अता फरमा। अल्लाह मेरी मजलिस अंदर जिन्हियां मेरिया बहना औलाद की नेमत तो महरूम ने जिन्हें मेरे भाई अल्लाह सारियां दियां गोदा औलाद की नेमत नाल माला माल कर। या अल्लाह जिन्होंने औलाद दी है ताबेदार और फरमा बरदार बना। या अल्लाह जिन्होंने बेटियां दीतियां उन्होंने दियां बेटियां दे मुकद्दर भी अच्छे भी अच्छे। या अल्लाह तियां दे दुख माँ बाप नूं मार देंदे ने मौला बेटियां दे दुखां तों महफूज फरमा। या अल्लाह जुलम दा दौर दौरा है मौला सानूं इस जुलम तों बचा लै। या अल्लाह असीं मन गए असीं पापियां गुनाहगार। या अल्लाह बारिशां दे सिलसिले तू खत्म कर दिते मौला असी बड़े परेशान हां, जानवर प्यासे मर रहे ने बच्चे प्यासे ने। अल्लाह इंसानियत पानी दियां बूंदां नूं तरस रही है मौला तू रहम फरमा। अल्लाह रहमत दी बरखा नाजिल फरमा। अल्लाह रहमत दी बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह मेरी जमात दे तमाम उलमा दी हिफाजत फरमा, जिहड़े फौत हो गए मगफरत फरमा दे, जिहड़े जिंदा ने सेहत वालियां लंबियां यातियां अता फरमा। अल्लाह मेरे इन्हां भाइयां ने बड़ी कोशिश नाल बड़ी मेहनत नाल ए दीन दी कॉन्फ्रेंस सजाई। अल्लाह तेरे नबी का जिक्र होया, खत्मे नबुवत दे दिफा ते तकरीरां होईयां ने। अल्लाह सानू खत्मे नबुवत दे सिपाहियां चों खड़ा कर ले मौला। अल्लाह खत्मे नबुवत दे सिपाहियां चों खड़ा कर। या अल्लाह असीं जानने आ साडे करण नाल शायद कुछ ना होवे पर अल्लाह साडा नाम ते उहनां च लिखिया जावे जिहड़े तेरे नबी दी खत्मे नबुवत वास्ते जानां दे। या अल्लाह उस सफ दे अंदर सानू शामिल कर लै जिहड़े तहफ्फुज़े खत्मे नबुवत वास्ते लड़दे रहे। या अल्लाह तेरे दीन वास्ते जिहड़े कुर्बानियां दे गए असीं सहाबा दे
दिफा वास्ते, कुरान दे दिफा वास्ते, नबी सुल्तान दी नबुव्वत ओ खत्मे नबुव्वत दे दिफा वास्ते, इंशाअल्लाह मौला करीम तेरी तौफीक नाल हर दम हाजरा, दिन रात हाजरा। अल्लाह सानू सच्चा मोमिन और मुआहिद इंसान बना। अल्लाह अकीदा, अल्लाह जी अकीदा है तौहीद अता फरमा। या अल्लाह जिंदा रखी अकीदा है तौहीद ते मौत दे भी अकीदा है तौहीद। अल्लाह साडे च बड़े ऐब ने, साडे च बड़े गुनाह ने, किहड़ा मुंह लैके आवांगे जी। अल्लाह अकीदा तौहीद भी ना होया ते साडा की बणेगा। या अल्लाह अकीदा तौहीद ते जिंदा रख, अकीदा तौहीद ते मौत दे। अल्लाह दी रात तक बैठण वाले मेरे ना मुसलमान भाइयां दे राजी हो जा। अल्लाह इना मेरिया मावां बहनां ते राजी हो जा। अल्लाह मैं तेरा फकीर बंदा सफर करके आया मुसाफिरा। अल्लाह सारिया दियां लोड़ां थोड़ा पूरियां फरमा। रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीम।